मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में भाजपा के मंत्री मोहिंदर सिंह और सांसद रामस्वरूप शर्मा द्वारा मंडी रैली में की गई बयानबाजी भाजपा की सांप्रदायिक सोच को दर्शाती है। जिस तरीके से हमीरपुर जिला को निशाना बनाया गया, पुजारी और ब्राह्मण समुदाय का मजाक उड़ाया गया, ये भाजपा की नफरत की राजनीति को दर्शाता है, जिसकी कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है। ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। मुख्यमंत्री जयराम की मौजूदगी में भाजपा के मंत्री मोहिंदर सिंह और सांसद रामस्वरूप शर्मा द्वारा मंडी रैली में की गई बयानबाजी भाजपा की सांप्रदायिक सोच को दर्शाती है। जिस तरीके से हमीरपुर जिला को निशाना बनाया गया, पुजारी और ब्राह्मण समुदाय का मजाक उड़ाया गया, ये भाजपा की नफरत की राजनीति को दर्शाता है, जिसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ये उरादर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में काफी अंतर है। वासुदेव कुटुम्बकम की बात भाजपा करती तो है, लेकिन इसके भावार्थ से बिल्कुल उल्ट आचरण करती है। महात्मा गांधी का नाम तो लेती है, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा नेताओं की सोच में ही भेदभाव भरा हुआ है, ये देश समाज के लिए खतरनाक है। प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर टिप्पणी करते हुए दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा में जो भी हो रहा है 70 सालों में पहली बार हो रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को छोड़कर कोई भी नेता जश्न में नजर नहीं आ रहा है। भाजपा कार्यकर्ता उदासीन है। आर्थिक मंदी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बेरोजगारी 70 वर्षों में चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। हिमाचल प्रदेश सरकार हर महीने कर्जे लेकर मौज मस्ती में व्यस्त है, ये सब पहली बार ही देखने को मिल रहा है। डिपो में सस्ते अनाज की व्यवस्था चरमरा चुकी है। शिक्षण संस्थाओं में भ्रष्टाचार, अनैतिक दुर्व्यवहार की घटनाओं से समाज चिंतित है। व्यापारी वर्ग GST से परेशान है, आम आदमी महंगाई से परेशान है, लेकिन भाजपा सरकार जश्न मनाने में व्यस्त है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता अब भाजपा के झूठ प्रेम को समझ चुकी है, इसके लिए भाजपा के हाथों से 5 राजा निकल चुके हैं। दीपक शर्मा ने कहा कि इस सरकार में सबसे ज्यादा भेदभाव हमीरपुर जिला से किया जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता ही इस भेदभाव से दुखी हैं। विकास के मामले में यूं लगता है कि इस जिला से खुन्नस निकाली जा रही है। हमीरपुर शहर के व्यापारियों, खोखाधार को, गरीब, रेहड़ी फेड़ी लगाने वालों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, लेकिन सरकार का रवैया उदासीन बना हुआ है। दीपक शर्मा ने कहा कि इन विकट परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी प्रदेश में जन आंदोलन खड़ा करेगी। हिमाचल प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को सबसे पहले तो क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस विषय के ऊपर मैं बातचीत करना जा रहा हूं और इन 2 सालों में क्या हालत है। ये मंडी में जो रैली हुई, उस रैली में जिस तरह की बयानबाजी मुख्यमंत्री के रहते उनके वहां पे बैठे हुए रैली में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और सांसद जो बयानबाजी उन्होंने की, वो बयानबाजी स्पष्ट दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक सोच क्या है। जो बयान उन्होंने दिया, जिस ढंग से क्षेत्रवाद की बात उन्होंने की, हमीरपुर ज़िला से भेदभाव की बात की, ये भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रवादी सोच को दर्शाता है। जिस ढंग से उन्होंने पुजारियों और ब्राह्मणों के ऊपर वहाँ पे फब्तियाँ कसीं, वो उनकी धर्म जाति क्षेत्रवाद के ऊपर राजनीतिक वैमनस्य की सोच को दर्शाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी का फर्क है। ये वासुदेव कुटुम्बकम की बात तो करते हैं, लेकिन उसके जो सही अर्थ हैं उसमें निहार्थ हैं, उन अर्थ की तरफ ये लोग नहीं जाते हैं। मात्र कहने के लिए, राजनीतिक उद्देश्य के लिए ये लोग जो हैं ये हिंदुस्तान की संस्कृति और उसकी बात करते हैं। कार्यक्रम में वक्त चले छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।